दोस्तों आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि रिश्ते ऊपर से ही बन के आते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे देश भारत में शादी से पहले 36 गुण मिलाए जाते हैं, लेकिन आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं ना, उसको देखकर आपको लग जाएगा कि वाकई में अगर सच्चा प्यार हो ना तो जोड़े इंसान खुद ही बना लेता है, चाहे जितनी मर्जी दुनिया उन पे हंस ले। तभी तो दोस्तों हम कई बार ऐसी जोड़ियां भी देखते हैं शादी विवाह के बंधन में बंधे हुए, जिन्हें देखकर कोई उन पे यकीन नहीं कर पाता। दोस्तों किसी का पति बहुत लंबा है तो पत्नी बहुत छोटी है, लेकिन दोनों के बीच बहुत प्यार है। वहीं किसी की पत्नी बहुत मोटी है और पति बिल्कुल दुबला पतला है, पर उन दोनों के बीच प्यार बहुत ज्यादा है। दोस्तों आज हम आपको दुनिया की सबसे अजीबोगरीब जोड़ियों से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्हें देखकर आपको हंसी भी आएगी और आपको थोड़ा अजीब भी लगेगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी नए व्यूअर्स हैं, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। मोनिका और सिद्ध, जी हाँ दोस्तों, इनका नाम इंडियन है लेकिन ये रहने वाले हैं इंग्लैंड के। दोस्तों आप जरा इन दोनों को देख लीजिए कि कैसे ये दोनों साथ रह रहे हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि मोनिका और सिद्ध पिछले 8 सालों से साथ ही हैं। दोनों के बीच बहुत गहरा प्यार है, दोनों एक दूसरे के लिए मरते और जीते हैं। लेकिन वही सब इनका मजाक इस बात पे उड़ाते हैं कि मोनिका का वजन है 300 किलो तो वहीं सिद्ध सिर्फ 80 किलो के हैं। सभी को यही लगता है कि आखिर इन दोनों की शादी कैसे हो सकती है। शादी तो छोड़िए जनाब, इनके तो एक बच्ची भी है जो कि पिछले साल ही पैदा हुई है। दोस्तों कहा जाता है कि जब आपको एक बार किसी से प्यार होगा तो फिर आपको पीछे कुछ नहीं दिखता है। दोस्तों यहाँ भी कुछ वही हाल है, दोनों के बीच इतना गहरा प्यार है कि दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते। वही सच्चा प्यार तो इसे ही कहते हैं। हालांकि मोनिका अपने वजन को लेकर काफी परेशान है और वो वजन कम करने के लिए काफी मेहनत भी कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि 300 किलो से कितना वजन कम कर पाती है मोनिका। वैसे कोई भी कुछ भी कहे, दोनों साथ में बहुत क्यूट लगते हैं और इनकी बेटी भी बहुत खूबसूरत है। अहमद मोहम्मद डोर और सोफिया अब्दुल्ला। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अफ्रीका के कई देशों में एक नियम है कि अगर आपके पास पैसा है और अपने पैसे के दम पे आपने लड़की को खरीद लिया है तो आपकी जितनी मर्जी आप उससे उतनी बार शादी कर सकते हैं। ये सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन ये सच है। तभी तो आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसको देखकर आप हंस भी देंगे और आपको गुस्सा भी आएगा। मिलिए इनसे, ये हैं अहमद मोहम्मद जोर जो कि 104 साल के हैं। दोस्तों इन्होंने पैसे के दम पे 17 साल की लड़की से 104 साल की उम्र में शादी रचाई। जी हाँ दोस्तों, और सबसे अजीब बात तो ये है कि सोफिया अब्दुल्ला इनकी छठी बीवी हैं। मतलब कि ये समझना बड़ा मुश्किल है कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं? कैसे कोई 104 साल की उम्र में शादी कर सकता है? कैसे कोई इस उम्र में इतना रंगीला हो सकता है? जिस उम्र में इनको ऊपर जाने की तैयारी करनी चाहिए उस उम्र में ये लड़की की बोली लगाकर उसको खरीदते हैं और उसके बाद उससे शादी रचाते हैं। ये घटना वैसे किसी को भी शर्मसार कर दे और वाकई बहुत दुखद है। आपकी इस पे क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। पीटर मरिया एंड पॉल। दोस्तों कहा जाता है कि प्यार अलग चीज है और शादी अलग चीज है। कई बार आपको इस तरह की कहानियां सुनने को मिली होंगी कि लड़की प्यार तो किसी और से करती थी लेकिन शादी किसी और से हो गई। याद है आपको अक्षय कुमार की फिल्म धड़कन, जिसमें प्यार शिल्पा शेट्टी सुनील शेट्टी से करती थी लेकिन शादी अक्षय कुमार से की। लेकिन दोस्तों पीटर मरिया और पॉल के तिकड़े ने इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं, मरिया लड़की का नाम है जो कॉलेज के समय से पीटर से प्यार करते थे, लेकिन परिवार वालों ने फोर्स करके मरिया की शादी पॉल से करवाते। फिर क्या होना था, मरिया ने सोल्यूशन ढूंढा और अपने पति से बात की, क्यों ना पीटर को भी अपनी लाइफ में शामिल कर लिया जाए। ये देखिए तीनों आपस में कैसे मिलकर रहते हैं, आज के दिन ये तीनों काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं। आपको ये भी बता दूं कि पीटर और पॉल जब भी एक साथ घर में होते हैं तो आपस में कभी कोई परेशानी नहीं होती। वैसे ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक लड़की दो लड़के, एक बॉयफ्रेंड तो दूसरा हस्बैंड, क्या आइडिया यार। वैसे ये काम बाहर की कंट्री में हो सकता है क्योंकि हमारा देश अलग है और हमारा कल्चर अलग है। सनील एंड हेलेन। दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक 8 साल का बच्चा किसी 61 साल की औरत से शादी कर सकता है? नहीं नहीं, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये बात, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ ना ये बिल्कुल सच है। ये कहानी है अफ्रीका के कांगो देश की। दोस्तों ये भी एक तरह का ट्रेडिशन है जिसके तहत कोई भी औरत किसी के साथ भी अपना रिश्ता बना सकते है। दोस्तों ये है 61 साल की औरत और यह है 8 साल का बच्चा। इसे ये 8 साल का बच्चा अपने नए पति के रूप में अच्छा लगा और फिर इन्होंने समाज के सामने, अपने पहले पति के सामने और साथ ही साथ अपने बच्चों के सामने अपने नए 8 साल के पति को गले भी लगाया और फिर हनीमून के लिए भी निकल पड़े। दोस्तों जब भी इस तरह की घटनाओं के बारे में सुनते हैं ना तो कई बार समाज के इस तरह के नियम पे हंसी भी आती है और कई लोगों को तो गुस्सा भी आएगा। जोश ग्रेग्स एंड जायला कॉपर। दोस्तों इस कहानी को सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक लड़की जो 9 साल की थी उसे कैंसर था, लेकिन वो शुरू से ही दुल्हन की तरह सज संवर कर शादी करना चाहती थी। ये उस बच्ची का बचपन का सपना था
दोस्तों जब डॉक्टर ने ये कह दिया कि जायला कॉपर अब ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगी, तो इस छोटी बच्ची के माता पिता ने शादी के लिए तैयारियां शुरू कर दी ताकि वो किसी तरह से अपनी बच्ची के सपने को पूरा कर सकें। वो किसी भी हाल में अपनी बेटी की इच्छा पूरी करना चाहते थे। दोस्तों उसे हॉस्पिटल में जोश ग्रेग्स नाम का एक लड़का था जो कि कैंसर से पीड़ित था, वो लड़की का दोस्त भी था। ऐसे में माता पिता ने फैसला किया अपनी बेटी की शादी इस लड़के से करा देंगे। लेकिन दोस्तों हर कहानी का अंत अच्छा हो ऐसा जरूरी तो नहीं, जो होना था वो हो गया। शादी के 9 दिनों बाद ही जायला इस दुनिया से चली गई। इस कहानी ने वाकई में दिल को तोड़ दिया और आप भी भावुक हो गए, लेकिन ऐसा भी होता है। पोला गैब्रियल एंड कैट्यूशिया। दोस्तों इस कपल के नाम सबसे छोटे कपल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे कम हाइट वाली शादीशुदा जोड़ी है। इसमें पोला गैब्रियल की हाइट 90.28 सेंटीमीटर और कैट्यूशिया की हाइट 91.13 सेंटीमीटर है। इन दोनों की मुलाकात 2006 में सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी और दोनों एक दूसरे के प्यार में कहीं खो गए। लेकिन दोस्तों एक बात तो माननी होगी, दुनिया चाहे जो भी कहे, अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो उसे हासिल करने का सच्चा प्रयास भी करना चाहिए। बेन ब्राउन एंड जेना बेंटले। दोस्तों कहते हैं ना कि पैसे से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, और इसका एग्जाम्पल आप इस कहानी से ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए एक 70 साल के बूढ़े को एक बेहद खूबसूरत और सुपर मॉडल टाइप औरत के साथ रासलीला रचा रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि अभी कुछ दिनों पहले इन दोनों की तस्वीर वायरल हुई, जिस फोटो में ये कनाडा के एक बीच में मस्ती कर रहे हैं साथ में। हालांकि मॉडल का कहना है कि पति 70 साल का भले ही सही, लेकिन वो उससे सच्चा प्यार करती है। वहीं दुनिया के लोगों का कहना है कि सुपर मॉडल ने सिर्फ और सिर्फ पैसों के लालच में उससे शादी की है। वैसे दोस्तों ऐसी कहानियां अक्सर देखने को मिली जाती है। नंबर 8। दोस्तों अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो तो सबसे अलग है। जी हाँ दोस्तों, क्या आप सोच भी सकते हैं कि एक लड़की किसी जानवर से शादी कर सकती है? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है और ये लाइव टीवी पे टेलीकास्ट भी किया गया था। दोस्तों इनसे मिलिए जो हैं एलिजाबेथ, रहने वाली हैं अमेरिका की, और इन्होंने एक कुत्ते से शादी की है। जैसा कि आप देख सकते हैं कैसे ये कुत्ते के साथ खुश नजर आ रही हैं। दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं, इन्होंने इस कुत्ते से शादी करने से पहले 4 बार शादी की, और इनका कहना था कि चारों के चारों पति इनके काम के नहीं थे, ये किसी के साथ भी खुश नहीं थी, इसलिए इन्हें एक कुत्ता चाहिए था जो इन्हें मिल गया। तो अंत में इन्हें मिला इनकी लाइफ का रियल प्यार, और वो रियल प्यार है एक कुत्ता। ये देखिए कैसे ये उसे अंगूठी पहना रही हैं। भाई कमाल है, इतना गहरा प्यार तो शायद ही किसी ने देखा होगा। दोस्तों अब हम आपको मिलवाते हैं कैसे कपल से जिन्हें देखकर आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए इनका नाम है मार्क, जो कि इंग्लैंड से हैं, और इनकी शादी हुई है कांगो की एक लड़की से। मार्क को कई तरह की बीमारियां हैं, लेकिन ये एक बहुत ही फेमस मोटिवेशनल स्पीकर और राइटर हैं। साथ ही इनके हाथ पैर में कोई मूवमेंट नहीं होती, क्योंकि इन्हें एक बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है। पर इनके वीडियोज को देखकर कांगो की इस महिला को इनसे प्यार हो गया और वो इनके पास आ गई। इन दोनों ने साथ में जिंदगी बिताने का फैसला किया। आज ये दोनों बहुत खुश हैं और आगे भी खुश रहें, बस हमारी यही कामना है। दोस्तों अब हम आपको मिलवाते हैं इंग्लैंड की एक महिला से, जिन्होंने सारी हदें पार करते हुए एक भूत के साथ शादी कर ली। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। इनका मानना है कि ये और इनके सो कॉल्ड भूत बॉयफ्रेंड एक दूसरे को फील कर सकते हैं। इस महिला का कहना है कि भूत अक्सर रातों में आकर इनके साथ मस्ती करता है, खूब प्यार करता है, ये भूत की एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये एक दिन आपस में शादी कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, शादी का आयोजन भी किया गया, जहाज पे शादी हुई, और इस महिला का पहला पति भी शादी में आया, जिससे इस महिला के 5 बच्चे थे। लेकिन भूत जो कि दूल्हा था वो नहीं आया, क्योंकि वो किसी को दिखा नहीं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इस महिला का कहना था कि वो भूत भी उसी जहाज पे मौजूद था, लेकिन दुल्हन के अलावा कोई और उसे नहीं देख सकता था। दोस्तों इस महिला का कहना है कि आज भी वो जहाँ जाती हैं वहाँ इनके पति यानी कि वो भूत भी इनके साथ ही होते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सा कपल सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।